दोस्तों नमस्कार। किसी का कहा हुआ एक शेर है, पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। किस संदर्भ में ये बात कह रहा हूं? हाल ही में दो महत्वपूर्ण इम्तिहान संपन्न हुए, एक नाटा का थर्ड अटेम्प्ट और जेई पेपर टू का सेकंड अटेम्प्ट। इसमें जिस तरीके के सवाल पूछे गए, मैं नहीं समझ पाता कि उनका आर्किटेक्चर से कुछ लेना देना भी है। एक सवाल पूछा जा रहा है, मुगल डायनेस्टी का लास्ट एम्परर कौन था? पीएनजी में पी किस चीज को डिनोट करता है, टिफ में टी किस चीज को डिनोट करता है, कौन से देश की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है, 2016 के ओलंपिक्स कहां हुए थे, क्या इन सवालों का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड से कुछ भी लेना देना है कि पेपर सेटर को जहां जो सवाल दिखाई दिया वहां से उसने प्रश्न उठा लिया। जेई का पेपर मैं देख रहा था, मैं नहीं समझ पाता कि जो चित्र बनाने के लिए दिया गया था वो बीएफए के छात्रों के लिए दिया गया था कि आर्किटेक्चर के छात्रों के लिए दिया गया था। उसमें एक व्यक्ति विशेष को विशेष तरीके के परिधान पहनाकर उसका फोटोग्राफ प्रकाशित किया गया था जेई पेपर टू के पेपर में जो हाल ही में संपन्न हुआ, और आपसे कहा गया कि इस चित्र को देखकर या तो एक कंपोजिशन बनाइए या एक इसी तरीके का चित्र या रेखा चित्र बनाइए। अगर किसी इमारत का चित्र बनाने की बात होती, किसी चाय की दुकान को बनाने की बात होती, किसी क्लासरूम को बनाने की बात होती, किसी ऑडिटोरियम को बनाने की बात होती, तो बात समझ में आती थी। एक ऐसे व्यक्ति के ऐसे परिधान में आपने चित्र छाप दिया जेई पेपर टू में, जो किसी प्रकार से आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड से कोई उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। मुझे अचरज होता है इस बात का कि देश में बड़े बड़े विद्वान आर्किटेक्ट्स बैठे हैं जिन्होंने अपने देश में नहीं विदेशों तक में नाम कमाया है। मैं नाम नहीं ले रहा, कोई आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं ये विद्वान आर्किटेक्ट कौन है जिन्हें विदेशी पुरस्कार तक मिले हैं। और उसके बावजूद हमारे यहां जेई पेपर टू का पेपर बनाना हो या नाटा का पेपर बनाना हो, किन नौसखियों को ये काम सौंपा जाता है? ये जो सवाल 4-5-6 मैंने आपको शुरू में बताए, आपसे पूछ लिया गया गूगल के लोगों में कौन से रंग हैं, इस तरीके के सवाल पूछने का क्या औचित्य है? आपको कुछ पेंटिंग्स दिखा दी गई, आपसे पूछ रहे हैं इनके कलाकार कौन हैं? आप बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के मेधावी छात्रों को ढूंढ रहे हो कि आप आर्किटेक्चर में प्रवेश लेने के इच्छुक छात्रों में मेधावी छात्रों को तलाश कर रहे हो? मुझे अचरज होता है इस बात का कि देश भर के लगभग सभी राज्यों के प्रतिनिधि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में बैठे हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर की जिम्मेदारी है कि ये नाटा का इम्तिहान भली प्रकार से कंडक्ट करे, और ये सारे आर्किटेक्ट्स भली भांति समझते हैं कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड में क्या होता है। तो क्या इस प्रकार के जो पर्चे बनाए गए इन लोगों के उस बारे में कोई मार्गदर्शन इनसे नहीं लिया गया, कोई राय मशवरा नहीं किया गया, या चंद लोग मिलकर इस सारी रूपरेखा को तैयार करते हैं? जेई पेपर टू हो या नाटा का थर्ड अटेम्प्ट हो, मुझे निराश करा है इन दोनों इम्तिहानों ने। और मैं तो चाहता हूं कि अब जो हो गया सो हो गया, लेकिन अगली बार से ये लोग ध्यान रखें कि आप तय कर लें कि आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड में आप क्या ढूंढ रहे हैं। मुगल डायनेस्टी का आखिरी राजा कौन था, इसका किसी आर्किटेक्चर से कुछ लेना देना नहीं है। मुगलों के नाम पर वैसे ही देश में बड़ा हल्ला मच रहा है, और आपने आखिरी राजा कौन था मुगल डायनेस्टी का इस तरह का सवाल पूछ के कोई महान काम नहीं किया। नमस्कार।